नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर्दियों का सीज़न और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और इस सर्दी के सीज़न में अगर खाने में गर्मा गर्म कड़ी खाने को मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है, और वो भी अगर मूली के पत्ते और मूली की, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो आज मैं वही कड़ी बनाने जा रही हूँ, इसमें मूली और मूली के पत्ते डालकर हम कड़ी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मूली और मूली के पत्तों की कड़ी बनाने के लिए मैंने एक मूली ले ली, मूली बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये ले लिए मैंने करीब दो मूली के पत्ते। पत्ते इसमें ज़्यादा डालते हैं तभी अच्छे लगते हैं, और पत्ते आप कोशिश करें कि अच्छे और कच्चे हों। अगर कोई पत्ता पीला हो तो उसको निकाल दें। मैंने इन सारे पत्तों को और मूली को अच्छी तरह पहले भी धो लिया और काटने के बाद भी धोऊंगी। तो अब क्या है, सबसे पहले इसके जो मोटे वाले हिस्से हैं ना, उनको आप हटा दें इसको, क्योंकि गलने में भी टाइम लगता है। तो इसको थोड़ा सा आगे से इस तरह हटा दें, इसको सबको हटा दें इधर। अब इसको फिर बारीक बारीक, जितना आप इसको फाइन चॉप कर सकते हैं उतना फाइन चॉप कर लें इस तरह। ये देखिए, मैंने सारे मूली के पत्तों को काट लिया है। अब हम इस मूली को छीलेंगे। ये मेरी एक मूली है, पर मैं पूरी की पूरी मूली नहीं डाल रही, इसमें करीब आधी मूली डालूंगी। मूली से ज़्यादा मूली के पत्ते इसमें बहुत टेस्टी लगते हैं, और पत्ते हेल्दी भी बहुत रहते हैं। देखिए, मूली के बहुत सारे गुण हैं, आपको पता होगा, आयुर्वेदिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है, ख़ासतौर से पथरी का। मूली के रस बहुत अच्छा दवाई का काम करता है, इसलिए आप मूली और मूली के पत्तों की कड़ी ज़रूर से बनाएं। टेस्टी के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और जो कड़ी होती है वो हड्डियों को बहुत मजबूत करती है। अब इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करें, इस तरह बीच में यूँ कर लें कट, और इस तरह के इसके टुकड़े करें, कुछ इस तरह के, बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करने हमको। ये देखिए, मैंने मूली के पत्ते और मूली काट ली है। अब सबसे पहले मैं कड़ी का जो तैयारी करनी है उसको भी साथ में करूँगी। देखिए, कड़ी के लिए मैंने एक भगोना ले लिया है, और उसमें एक कटोरी भरकर दही ले ली। आप या तो एक कटोरी दही ले सकते हैं, या आप बटर मिल्क छाछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छाछ के लिए आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, या आधा किलो कम से कम छाछ जरूर ले। मैंने दही ले लिया है, और दही में इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी बेसन। अब इस दही में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून बेसन, 2 और 1 और। और इसको सबसे पहले हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, इसके बाद पानी मिलाएंगे। इसको इसलिए ऐसे मिक्स करेंगे जिससे इसमें जो गांठें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। तो इसको पहले आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम करीब इसमें 2.5 से 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अगर आपसे इसकी गांठें नहीं ख़त्म हो तो आप इसको छान लें पानी डालकर, तो क्या होगा, इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं रहेंगी। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें पानी मिक्स कर रही हूँ, 1 ग्लास 2 ग्लास और 3 ग्लास। मैंने 3 ग्लास इसमें पानी ऐड किया है। थोड़ा सा इसको स्टिर कर लें अच्छी तरह, कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी गांठ बची हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, हमारा घोल तैयार हो गया कढ़ी का। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैं सिर्फ एक छोटी चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। इसमें हम सबसे पहले जो मूली के पत्ते और मूली है उसको पकाएंगे। आप इसको बॉईल करके भी बना सकते हैं, लेकिन बॉईल से ज़्यादा अगर इस तरह छोंक के बनाएंगे तो मूली के जो गुण हैं वो ख़त्म नहीं होते, और टेस्ट भी ज़्यादा बनती है। देखिए, तेल गर्म हो गया है, और मैंने मूली के पत्तों को 3-4 बार अच्छी तरह धोकर चलनी में डाल लिया है, जिससे इसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे, क्योंकि पत्ते की सब्जी में नॉर्मली मिट्टी काफ़ी होती है। अब इसमें डाल देंगे हम, और डालकर इसको धीमे फ्लेम पर 7-8 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, जिससे कि मूली के पत्ते और मूली सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें मैं 1/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ नमक, जिससे जल्दी से मूली गल जाए, पक जाए एकदम। और अब मैं इसको ढक देती हूँ, और मीडियम फ्लेम कर दिया मैंने गैस का, थोड़ा सा सिम से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये 7-8 मिनट लगेंगे। तब तक इसमें जो पानी है उसी से ही अच्छी तरह पक जाएगी, इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में 1 से 2 बार चला लें। देखिए, 7-8 मिनट हो गए हैं, बीच बीच में मैंने इसको चला भी दिया था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें सिर्फ इसको देखना है, चेक करना है कि हमारी सॉफ्ट हुई कि नहीं। एक मूली का टुकड़ा ले, देखिए ये सॉफ्ट हो गया अच्छी तरह। थोड़ी बहुत जो कसर रहेगी इसको पकने में, करीब 20%, वो जब हम कढ़ी बनाएंगे तो उसके अंदर ये पक जाएगी। तो हमारी ये तैयार हो चुकी है, इसको एक बार हम निकाल लेंगे बाहर, या तो दूसरी कढ़ाई में, इसी में हम सॉफ्ट तैयार कर लेंगे। अब मैंने कढ़ाई वापस गैस पर रख दी है, और इसमें करीब 2 टेबलस्पून
डेढ़ से दो टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए गैस के फ्लेम को थोड़ा धीमे कर दे, धीमे फ्लेम पर ही छौंक लगाएं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच दाना मेथी। दाना मेथी हेल्थ के लिए तो अच्छी रहती है, साथ में कड़ी इसमें बहुत अच्छी लगती है, तो कड़ी में ज़रूर से डालें जब भी आप कड़ी बनाएं। और थोड़ी सी 1/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें राई के दाने, और 1/4 छोटी चम्मच ही हम इसमें डालेंगे जीरे, जीरे का जो दाने होते हैं वो, इनको डालकर थोड़ा सा चटका लें। और जैसे ही चट जाए तब हम डालेंगे इसमें अदरक और हरी मिर्च। मैंने करीब 1 इंच का अदरक का जो टुकड़ा उसको कद्दूकस कर लिया, आप इसको छोटा काट के भी डाल सकते हो, एक हरी मिर्च इसको भी मैंने डाल लिया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत लाल मिर्च, इसमें अच्छी लगती है, ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप डाल लें, नहीं तो नहीं। इसके दो टुकड़े करके इसमें इसको भी डाल लें और हल्का सा फ्राई कर लें। अब एक छोटा सा प्याज लिया उसको फाइन चॉप कर कर इसमें डाल लिया। आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें वो भी अच्छा लगता है। हाँ, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो आप बिना प्याज लहसुन के ही बना लें। प्याज को जब तक पिंक हो तब तक फ्राई करें, फ्लेम धीमे ही रखें। 1/4 छोटी चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ हींग। हींग से टेस्ट के साथ साथ बहुत अच्छा रहता है हींग पेट के लिए। और बेसन की जब भी कोई चीज़ बनाए तो हींग ज़रूर से ऐड करें। इसको भी डालकर थोड़ा सा भून लें इसमें पिंक होने तक। देखिए कड़ी राजस्थान में बहुत फेमस है, या ये कहें कि कड़ी हमारे लिए यहाँ पर सूप का काम करती है। ये गरम गरम कड़ी बहुत अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। जुकाम खांसी वगैरह हो उसमें अगर गरम गरम कड़ी पीते हैं तो आपका गला खुल जाता है। और साथ में ये बोन्स के लिए बहुत अच्छी है, जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए जो होता है उसके लिए कड़ी बहुत अच्छी रहती है। इसलिए राजस्थान में इसे लगावन बोलते हैं ज़्यादातर, मतलब वीक में 3 से 4 बार कड़ी, 3 से 4 बार दाल ये ज़रूर बनती है घरों में। ये देखिए हमारी प्याज पिंक हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीली भी हो जाती है तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है कड़ी में। तो हम आधी छोटी चम्मच करीब हल्दी पाउडर डालेंगे, और आधी चम्मच करीब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा है, बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं, मीडियम ही है। पर अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर से मिर्ची की तरी ऊपर से डालकर सर्व कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है कड़ी में। ऊपर से अगर हम मिर्च का छौंक लगाते हैं तो अच्छा लगता है। और अब इसमें डालूंगी मैं 1 छोटी चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने उसमें भी डाला था बॉईल करते समय भी, तो 1 छोटी चम्मच में डालूंगी इसमें नमक। इसको भी डालकर मिला लें। मसाला हमारा एकदम अच्छी तरह तैयार हो गया है। और अब डालेंगे हम इसमें जो हमने कड़ी का घोल तैयार किया था उसको, इसको थोड़ा सा घोल को पहले हिला लें जिससे कि बेसन वापस ऊपर आ जाए, नहीं तो बेसन बैठ जाता है नीचे। और अब हम इसको इसमें डालेंगे और लगातार चलाते जाएं। जब भी कड़ी बनाएं तो आप लगातार चलाते जाएं, नहीं तो कड़ी फट जाती है, तो इसलिए इसको चलाना बंद बिल्कुल ना करें। और गैस के फ्लेम को कर दें तेज। ये कितना सुंदर कलर आ रहा है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। सर्दियों में तरह तरह की, कई तरह की कढ़ी बन सकती है राजस्थान में। सर्दियों में मेथी की, पालक की, बथुए की, इसकी हर दिन अलग अलग कढ़ी बनाई जाती है, जिससे टेस्ट भी चेंज होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। ये देखिए इसमें कड़ी में अच्छी तरह उबाल आ गया है, मैंने चलाना बंद कर दिया है। अब हमारी जो ये मूली के पत्ते और मूली थे, अब इनको इसमें डाल देंगे हम धीरे से और इसको चला लें, और फिर धीमे धीमे फ्लेम पर इसको उबलने देंगे। एक बार फ्लेम को तेज कर लें जैसे ही उबाल आ जाए, और कम से कम 10-12 मिनट के लिए इसमें इसको पकने देंगे। कड़ी को ढकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये फनकर बाहर आ जाएगी। देखिए उबाल आ गया है तो मैंने गैस के फ्लेम को धीमे कर दिया है। बीच बीच में आप 1-2 बार इसको चला ज़रूर से लें। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। ये देखिए करीब 12-13 मिनट हो चुके हैं हमारी कड़ी को उबलते उबलते, और बहुत ही फर्स्ट क्लास बढ़िया सी कड़ी बनकर तैयार हो गई है, एकदम तरीदार और बहुत ही टेस्टी। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करने के लिए डाल देंगे। जरूरी नहीं, अगर आपके पास नहीं हो तो आप बिना डाले भी रख सकते हैं। और इस कड़ी को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, फल के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
आप भी इस तरह की मारवाड़ी तरीके की कढ़ी बनाकर देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपकी कढ़ी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली और अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक यू।